बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर साइंस की जो है सेकेंडरी कंप्यूटर साइंस की इनके इम्पोर्टेंट्स प्रैक्टिकल्स को हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 10 इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम्स थे जो प्रैक्टिकल्स में आने के जिनके इम्कान थे उनको हमने अच्छे से डिटेल के साथ उसको समझा था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर सब डिटेल सब क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे, उनकी लॉजिक को समझेंगे कि लॉजिक्स में हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या कहा क्या जा रहा है, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर हम अपने क्वेश्चंस को प्रोग्राम को रिजॉल्व करेंगे, अपना प्रोग्राम फिर बनाएंगे। तो इसके अंदर आज हमने 3 से 4 प्रोग्राम्स आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लाजमी हैं आपके पेपर्स के अंदर, ये चीज़ आ सकती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले काइंडली आपसे मुझसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलें अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले आज इसके अंदर देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ये लास्ट टाइम हमने इन 10 प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था, आज इसके अंदर हमने करना है राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ टेम्परेचर। हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम के अंदर हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। क्या चीज़ करना है, फारेनहाइट को किस अंदर कन्वर्ट करना है, सेल्सियस के अंदर। मींस कि हमने फारेनहाइट का एक टेम्परेचर लेना है, उसको हमने सेल्सियस के अंदर हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे। अब ये प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लॉजिक आने चाहिए कि लॉजिक कैसे अप्लाई होगी, देन उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, इसे प्रोग्राम को बनाना है। सबसे पहले क्या होगा, फार्मूला टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फॉरनहाइट टू सेल्सियस में अगर आपने कन्वर्ट करना है, तो फॉरनहाइट से सेल्सियस के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि सेल्सियस इज इक्वल्स टू फॉरनहाइट -32। क्या हुआ, फॉरनहाइट -32 आपने माइनस करना है, उसके बाद आप जो आंसर आएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन फिर आपने इसको 9 पे डिवाइड कर देना है। तो ये चीज सिंपल से प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या काम करना है कि हम डेटा टाइप्स हम बनाएंगे, डेटा टाइप्स के बाद हम फॉरनहाइट जो टेम्परेचर है स्कैनफ यूज करके यूजर्स की मदद से हम फॉरनहाइट को हम कैलकुलेट करवाएंगे, मीन्स कि हम उसको रिसीव करेंगे, हासिल करेंगे एज ए इनपुट, फिर हम एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा किसी एक चीज़ के अंदर हम स्टोर करवाएंगे, उस जो वैल्यू वेरिएबल होगा उसको हम प्रिंट एफ लगा के उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हेडर फाइल्स हमने बनाई, इंट मेन हमने बनाया जिसके अंदर हमने एक फ्लोट डेटा टाइप यूज की, उसके अंदर हमने सेल्सियस एंड फॉरनहाइट के, हमने सेल्सियस और फॉरनहाइट इन दोनों के ऊपर हमने काम करना है। तो इन दोनों को हमने पहले उनके डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद हमने प्रिंट एफ यूज करेंगे। हमने प्रिंट एफ यूज किया क्यों लगाया कि यहाँ हमें प्रिंट एफ इसलिए यूज किया कि पहले हम यूजर को एक मैसेज उसको डिस्प्ले करवाएंगे, देन उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करें कि वो वैल्यूज एंटर करें। वैसे क्या डिस्प्ले होना चाहिए कि हमने लिखवाया एंटर टेम्परेचर इन फॉरनहाइट, कि आप जो टेम्परेचर है फॉरनहाइट के अंदर एंटर करें। जैसे ये मैसेज यूजर को नजर आएगा, देन उसी के अकॉर्डिंग रीड करके आपको हमारे क्या है वो वैल्यूज को एंटर करेगा। तो एंड वैल्यूज लेने के लिए हमने स्कैन एफ यूज किया, परसेंटेज एफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा टाइप इसकी फ्लोट हमने यूज की है, एंड उसके बाद एम परसेंट फॉरनहाइट जिस चीज को हमने गेट करना चाह रहे हैं, किसको गेट करना चाह रहे हैं, फॉरनहाइट को, तो यहाँ फॉरनहाइट हम यहाँ पे एम परसेंट के साथ मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमने जस्ट एक लॉजिक लगानी है। लॉजिक के अंदर क्या है कि जस्ट यही फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताया था, आपने ये फार्मूला सेम एज इट इज पेस्ट कर देना है। अब ये क्या होगा, फॉरनहाइट जो आपने इनपुट एज ए इनपुट ली होगी उसमें -32 होगा, 32 माइनस होगा, माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर देन आपके पास 9 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है कि जस्ट ये आपके पास एक सेल्सियस के अंदर आंसर आ जाएगा, तो इस सेल्सियस को आपने क्या करना है, फॉरनहाइट और सेल्सियस को आपने डिस्प्ले करवा देना है। तो आइए चलें हम इसे प्रोग्राम में बनाकर देखते हैं, यही प्रोग्राम हम बनाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कैसा है। हमने यहाँ पे एक पूरा एक प्रोग्राम बनाया, इस पूरा प्रोग्राम के अंदर अब हम क्या करते हैं कि हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या इसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम एक्यूरेटली वर्क करता है या नहीं। F11 का आपने बटन प्रेस करना है, जैसे हमने बटन प्रेस किया तो आपने इसका हुआ कि यहाँ पे एक मैसेज आया कंपाइलेशन रिजल्ट के अंदर कि नो एरर्स, इसका मतलब है कोई एरर आपका नहीं है। जब एरर कोई नहीं होगा तो आपका एक स्क्रीन कंसोल आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी, उसके अंदर कह रहे हैं एंटर टेम्परेचर इन फॉरनहाइट, कि आप अपना टेम्परेचर क्या है कि वो फॉरनहाइट के अंदर एंटर करें। मींस कि हमारे पास डेटा में फ्लोट यूज की हुई थी, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 6.8, जैसे मैंने एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो क्या कर देगा कि मुझे फॉरनहाइट का और सेल्सियस हमारे रिजल्ट हमें सारा हमें बता देगा ये। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम नंबर 1 जो है कैलकुलेशन का कन्वर्जन का आपका ये कंप्लीट हो जाता है जी। इसी तरीके से आपके पास सेकंड प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर।
कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम को आपने चेक करने के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। मैंने अभी एक प्रोग्राम आपको बना दिया है, इस प्रोग्राम के अंदर आपने लॉजिक यूज़ करनी है, इंट आपने जस्ट एयर यूज़ करना है, लॉजिक लगानी है, इफ और इफ एल्स आपने यूज़ करना है। करने के बाद आपने इसका क्या करना है, प्रोग्राम बनाने के बाद आपने इसको कंपाइल करना है। जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमें क्या करेगा कि अगर कोई एरर होगा तो आपको बता देगा, इसका मतलब है इस टाइम हमारा नो एरर, कोई एरर नहीं है। हमने रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर हुआ कहता है एंटर आ एयर, क्या कोई भी एयर आप यहाँ पे एंटर करें, कोई भी आप एयर एंटर करेंगे तो आपके फंक्शन अप्लाई होगा, लॉजिक अप्लाई होगी, लूप अप्लाई होगी, कंडीशन अप्लाई होगी। उस कंडीशन के अंदर आपको फिर पता चल जाएगा कि हमारी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अब करंटली हमारा एयर चल रहा है 2023, अब इसको हम एंटर करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमें बता रहा है 2023 इज नॉट अ लीप ईयर, कि आपके जो 2023 है वो लीप ईयर नहीं है। इस तरीके से आपका एक सेकंड प्रोग्राम भी इसी तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम बता रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर। आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर आपने इनपुट जो है मीन्स एक नंबर लेना है इनपुट के तौर पर, आर डिस्प्ले अ नंबर, आर डिस्प्ले अ मैसेज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम नंबर, ठीक है। आपने क्या काम करना है, एक नंबर लेना है और उस नंबर को आपने डिस्प्ले करवाना है, कि कैलकुलेट करने के बाद आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि वो प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो आप ये मैसेज डिस्प्ले करवा दोगे, अदरवाइज जो क्या होगा फिर आप मैसेज डिस्प्ले करवा दोगे नोट ऑफ प्राइम नंबर। तो सिंपल सा आपने क्या करना है, एक यही प्रोग्राम बनाना है, मैंने आप एक बना लिया है, आपने एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम में आपने लॉजिक आपको पता है कि कैसे आपने इसको यूज़ करनी है, आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। बनाने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, F11 का आपने बटन प्रेस करना है। जैसे F11 का बटन प्रेस किया कि आपके पास इसने चेक किया कि जो कंपाइलेशन है नो एरर्स, इसके बाद कंसोल स्क्रीन आ गई, कंसोल स्क्रीन के अंदर कह रहा कोई भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करें, सोर्स मैं यहाँ पे 14 एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें 14 हमारे पास इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 14 एक प्राइम नंबर नहीं होता। तो सेम एज इट इज, अगर कोई और नंबर हम यहाँ पे एंटर करके देखें, मीन्स मैं अगर 13 एंटर करता हूँ तो वो बताएगा, तब बताएगा कि 13 का एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपने प्राइम नंबर्स वाला भी आपने क्वेश्चन को इजिली आपने सॉल्व कर लेना है जी। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है टू प्रिंट राइट एंगल ट्राइंगल स्टार पैटर्न। आपके पास एक स्टार का एक पैटर्न है, ऐसी प्रोग्राम आपने बनाना है, उस प्रोग्राम में सेम यही चीज़ आपने सी पैटर्न वाला आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, स्टार पैटर्न का एक प्रोग्राम बनाना है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको दो लॉजिक आपको बताऊंगा, इसके अंदर सिर्फ छोटा सा आप एक प्रोग्राम होगा, फॉर लूप हम यूज़ करेंगे। अब फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने क्या करवाया, हेडर फाइल से बनाई, इंट मेन बनाया, इसके अंदर आई जे एंड रोज, ये तीन चीज़ें हमने ले ली। अब कोई भी नंबर्स हमने क्या कहना है, यूजर्स की मदद से हमने लेना है। ये यहाँ पे प्रिंट एफ उसके अंदर मैंने इसलिए बनाया है कि जितनी जो सा नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, सपोज अगर आप कोई 6 एंटर करते हैं तो 6 रोज का जो स्टार का पैटर्न होगा वो आपको बना देगा। अगर कोई नंबर आप 9 एंटर करते हैं तो 9 रोज का जो स्टार का पैटर्न है वो आपको बना देगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जितना नंबर आप एंटर करेंगे उतना ही आपके पास स्टार्स बनते हुए आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ की, फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप यूज़ की, तो इसी के अंदर हमने ये एक प्रोग्राम बनाया। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि लूप के अंदर ही लूप हमने यूज़ की, तो वो अब आगे फिर प्रोग्राम का स्टार्स वाला जो प्रोग्राम है वो आपका बनता जाएगा। तो अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारे पास